शीरो का फेवरेट गाना कौन सा है? मैं शीरो का फेवरेट गाना कौन सा है मान जाऊंगा। ये वाला कौन सा गाना है? मेरी परम 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 सुंदरी। बिल्कुल सही। जीरो का फेवरेट गाना है परम सुंदरी। डांस करा है जीरो को परम सुंदरी पे। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे ललिता, हाय मेरी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सुबह सुबह भाई मैं नहा धो भी लिया हूँ और मंदिर होके भी मैं आ चुका हूँ। और आज का व्लॉग वो व्लॉग होने वाला है ना जिसका तुम लोगों ने इतनी ज्यादा डिमांड करी है ना कि मतलब भाई बना दो। एक बार पहले भी मैं बना चुका हूँ, बट जब शीरो बहुत छोटा हुआ करता था तब बनाया था। तो एक बार फिर तो यार ये वाला व्लॉग बनता है दोबारा से। तो आज मैं बताने वाला हूँ यार शीरो का डेली रूटीन। तो गाइस, शीरो के डेली रूटीन की सबसे पहली चीज यही है। आज मम्मी मैं बना रहा हूँ शीरो का डेली रूटीन कि शीरो पूरे दिन में क्या करता है लोगों को जानना। कितने बज रहे हैं? तीन बज रहे हैं। और अभी भी बस ये जगह चेंज कर रहा है, कभी उधर लेटता है कभी इधर लेटता है। इसका डेली रूटीन सबसे बड़ा यही है कि सबके पैरों में लेटते रहना है ना। देते हैं इसको डॉग फूड रॉयल कैनन का मिनी एडल्ट और साथ में पनीर मिक्स करके देते हैं ना। हमें बिना पनीर मिक्स करे नहीं खाएगा। साहब जी को चट्टे लगे हुए पूरे है ना फुल चट्टे खाने हैं ना। गोद में लेटता है लड़का, ये देखो इसको। शाम को उठ के शरारती हो गया। ये देखो 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 मस्ती देखो मस्ती शकल देखो, शकल कितनी शरारती शकल है। पूरा मुंह खोल रहा है। ये देखो अभी उंगली दूंगा तो देखो काट लेगा। ये धीरे काटता पर फुल फैमिली सोई थी गाइस, ये लड़की भी सोई थी, सबने एंजॉय कर लिया। आज फुल एंजॉय करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। ये कल रात का कुछ इंसिडेंट बता रही थी, बताइयो। कल रात को मैं ऑफिस में काम कर रही थी, मैं उस टाइम फ्री हो गई, ठीक है। शीरो की फोटो आ गई, उसमें उसने बो बांध रखा बचपन वाली, जब लेके आए थे इसको, है ना, जब लेके आया ना। हाँ। इसने ब्लू रंग का बो बांध रखा, मैं देख के शॉक हो गई कि इतना क्यूट। मैं कर ना घर वापसी आ जाऊं, पुच्ची कर लूं, हगी कर लूं, इतना क्यूट। मैं रुको मैं दिखाती हूं, मैं फोटो मिल गई फोटो। ये रे भाई, एक सेकंड, ये लो भाई ये फोटो चेक करो। अनबिलीवेबल क्यूटी। अरे तू इतना क्यूट था मोटे। अब इसके डेली रूटीन की अगली चीज है भाई, इसको चाहिए ट्रीट। ये ड्रॉर है, इसको पता है इस ड्रॉर के अंदर ट्रीट है। यहाँ खड़ा रहेगा, ये देखो कूदता रहेगा। ये ले बेटी, अब बच्चे को तो प्यार से बेटी बोलते हैं। बचपन में मैं जब छोटा था पापा मुझे भी बेटी कहते थे, है ना। घर में इंडियन फैमिली में ऐसी होता है गाइस, लड़का हो लड़की हो सबको बेटी बोल दो बचपन में, सब चलता है ना। तो गाइस शीरो के डेली रूटीन में अगली चीज आती है शीरो की दवाई। जैसे कि तुम लोगों को मैं कितनी बार बता चुका हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोग मुझसे कमेंट में पूछते रहते हो कि भाई शीरो के बाल तुमने क्यों कटवाए हैं और शीरो को ऐसे क्यों हो रहा है। शीरो को टिक फीवर हुआ था, दोबारा बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। शीरो को टिक फीवर हो गया था, टिक फीवर की वजह से हमने इसको यहाँ पर इंजेक्शन लगवाया था और इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसको ऐसे अजीब सा स्पॉट सा बन गया था। बट बाद में हमने मतलब इसके बाल भी शेव करा दिए और उसके बाद उसकी दवाई चल रही थी रेगुलर। अब वो स्पॉट भी पूरा ठीक हो गया है और उस पर बाल भी आने लगे हैं वापस से, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ये दवाई मैं दे रहा हूँ ये टिक फीवर की दवाई है। तो चलो शीरो को दवाई देते हैं, आ जाओ शीरो। नेक्स्ट अप वी हैव ये वाली दवाई एमेरॉन, ये भी मैं शीरो को देता हूँ। लास्ट रह गई है, देखो लास्ट थोड़ी सी रह गई है, दो तीन दिन की दवाई शीरो की बची है और ऑलमोस्ट शीरो का टिक फीवर ठीक हो गया है। उल्टी में ब्लड आ रहा है या ऐसी चीज़, जल्दी अपने पास वाले कोई वेट को दिखाओ और देरी मत करो, क्योंकि जो ये टिक फीवर है ना बहुत बुरी चीज़ है यार। अभी देखो उसको गोली दी थी इसने, बाहर निकाल के रख दी गोली। ये ना इसकी दिक्कत यही है, ये हमेशा यही करता है, जब गोली देता हूँ तो गोली ले लेता है और दो चार मिनट बाद बाहर गिरा देता है चुपचाप से। गाइस जैसे कि आज बहन घर में है, मतलब बहन उठ चुकी है सो के, तो मैंने सोचा कि बहन की डिमांड आई थी कि मेरे को बर्गर बना के नहीं खिलाया तूने, मम्मी को बना के खिला दिया। और जैसे तुम्हारा भाई, तुम जानते हो कि बड़ा टेस्टी बर्गर बनाता है, बर्गर किंग वालों का सिस्टम फेल करता है। यार ये बर्गर बनाए तीन तीन, एक मेरा, एक मम्मी का और एक बहन का, तो खाते टेस्टी से बर्गर, यम्मी यम्मी। गाइस देखो सब दिल से बर्गर खा रहे हैं, बहुत यार। तुम लोग अमीरी की बात कर रहे होगे यार, अंबानी भी इतना अमीर नहीं होगा, ठीक है। नीता अंबानी भी ऐसे टमाटर नहीं खाती होगी जैसे मम्मी खा रही है, ऐसी मम्मी कच्चे टमाटर खा जाती है हमारी। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, फुल चौड़े में रहो। लोग सब्जी में नहीं डाल रहे, मम्मी कच्चे खा रही है। वाह मम्मी वाह। शीरो का बाउल में इधर ले आया और शीरो इधर खड़ा हो गया, खाने का वेट कर रहा है। तो
जब तक शिरो खाना बन रहा है तब तक हम पग डॉग के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, वैसे तो तुम्हारे को बहुत फैक्ट्स गूगल पर और वैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर जगह पर। शिरो भौंक रहा है, शिरो को भूख लग रही थी, बस दो मिनट रुक जाए, तेरा खाना हो ही रहा है। ठीक है, तो चलो इसको खाने भी देखते रहते हैं, साथ के साथ तुम लोग को बताता भी रहता हूँ। तो अभी मैं पहले बताता हूँ, ये 5 चम्मच इसका मैंने फूड डाल दिया इसके अंदर, रॉयल कैनन का मिनी एडल्ट, और यहाँ पर मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। पानी उसके अंदर डाल देंगे, जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे उसके किबल्स, तब शिरो को खाने के लिए दे देंगे। अब हम बात करते हैं, जो पग डॉग होते हैं ना, वो और वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली डॉग्स में आते हैं, और इनका इसमें एक स्टेज रहता है। मतलब जैसे कि तुमने नया नया डॉग लिया है बिल्कुल, तो शुरू शुरू में वो काटेगा, बहुत ज़्यादा मस्ती करेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे एज बदलती रहती है, बड़े होते रहते हैं, तो समझदार भी हो जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ भी है, बट एक चीज़ है कि सेंसिटिव बहुत होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में जल्दी, जैसे कि कई बार ऐसा होता है, एक बार ऐसा हो गया था कि शिरो को मैं नहला के सीधा मैंने ऐसे छोड़ दिया था, सुखाया नहीं था, ठीक है, कम सुखाया था थोड़ा, तो शिरो को बुखार हो गया। वैसे पता चलता है कि सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा करो, साथ में टिक्स वगैरह चेक करते रहा करो इनके बालों में ना। बाकी आगे बात करें तो इनको खाना पीना बहुत पसंद होता है। शिरो सेकंड सेकंड नेक्स्ट नेक्स्ट सिट हाई फाई हाई फाई हाँ गुड बॉय हाई फाई गुड बॉय शिरो बार्क 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 आवाज़ इनकी ऐसी होती है भाई। हाँ, एक और चीज़ की भौंकने के लिए तो ये होते ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे भौंकते हैं। चलो जितना भौंक सकता था बेचारे ने अपने दम से भौंका। शिरो स्टे स्टे, अब उसकी समझदारी देखो गाइस, जब तक मैं इसको स्टे बोलूँगा ना, जब तक वो खाएगा नहीं, वो इतना बेचैन है ना इसको खाने के लिए, बट वो खाएगा नहीं। देखो मुँह के पास रख दिया, शिरो स्टे 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 नहीं खाएगा, और जैसे ही मैं बोलूँगा शिरो हैव गुड बॉय। तो अगर तुम्हारे पास पग है तो उसके लिए तुम मेरे से जो मर्जी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है तुम्हारा, आगे व्लॉग में मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और बाकी सुंदरता की बात करें तो सुंदर तो भाई देख लो कितना है, एकदम गोरा चिट्टा, एकदम सुंदर क्यूटी, देखो इतना मासूम चेहरा किसी का होगा दुनिया में है? और काला टीका पहली गाल पे लगा रखा है कि नजर ना लगे किसी की, है ना शिरो? ये सबसे ज्यादा प्यार शिरो को ही मिलता है घर में, ठीक है, हम तो बाद में हो गए, ऐसी होता है जब डॉग आता है तो सबसे पहला प्यार उसका है ना, इसी की खातिरदारी की जाती है। ये तो बेड पे सोता है, हमारे साथ में सोता है ना, इसको तो मैं एकदम अपने बच्चे की तरह पालता हूँ, जैसे मैंने खुद ही निकाला हो, इसको पैदा किया हो, ठीक है, बकवास बात है, पर ठीक है, ऐसा ऐसा फील होता है, मतलब कि मेरा खुद का ही बच्चा है ना। खीरा खा रहा हूँ मैं, इसको देखो स्मेल आ रही खीरे की, कह रहा है मुझे भी दे दे। वो खाना रेडी फूड, और उसके ऊपर पनीर मिक्स कर दिया है साथ में। अच्छा शिरो आ जा आ जा आ जा, जा चल 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 चल, अरे शिरो को भुक्की लगी भुक्की लगी भुक्की लगी, थोड़ा ना इसके खाने में मैं पानी ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि पानी ज़्यादा रखने का रीज़न ये है कि ये लड़का ना वैसे बिल्कुल भी पानी पीता नहीं है, मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि क्यों नहीं पानी पीता, सारे डॉग्स कितना पानी पीते हैं, तो जितनी गर्मी लग जाएगा उड़ा पानी नहीं पिएगा, तो मैं सोचता हूँ कैसे ना कैसे तो पानी पिलाना ही पड़ेगा, है ना, तो मैं थोड़ा खाने में ज़्यादा पानी डाल लेते हैं। और शिरो मटर खा रहा है, मटर शिरो को मटर खानी पसंद है, मटर शिरो हरी सब्जियाँ खाता है मेरे से भी ज़्यादा, गवार फली खाता है, गोभी खाता है, मटर खाता है, करेले भी खाता है ये। और गौतम क्या खाता है? गौतम सिर्फ पनीर भुजी खाता है। शिरो तो किस पे गया था? दादी पे गया ही। दादी पे गया है, मॉम पे गया है। देखो हाथ मार मार के बोल रहा, दे दो। शिरो देख। शिरो। परम परम सुंदरी, अरे मेरी परम 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 सुंदरी को नींद आ रही है। नहीं उसको छोड़ो, इसका एंजॉय देखो, मेरा एंजॉय इसका चल रहा है, उसका बाद में मैं जा रहा हूँ जिम। गाइस बैक फ्रॉम जिम, और आते ही बहन बोल रही है कि चल बाहर चलते हैं। जो बैग पहना है वो है मेरा दिया हुआ वाला। योर फेवरेट बैग? माय फेवरेट बैग। रेस्टोरेंट में आ गए हैं, कोक गाइस आ गया हमारा, टेस्टी टेस्टी पनीर टिक्का रोल, मजा आ जाएगा। तो गाइस मस्त खा पी के रेस्टोरेंट से वापस आ गए, और ये बंदा अपने अलग ही जोश में बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना, मुझे लगा चलो भाई घर जाएंगे, शिरो सो रहा होगा, पर शिरो तो फुल मस्ती में, शिरो तो टॉय पकड़ के खड़ा हुआ था मेरे को आते ही। देखो देखो गाइस, ये भी इसके डेली रूटीन का पार्ट है, ये खाना खाने से पहले भी एक बार खेलता है, और फिर खाना खाने के बाद भी एक बार खेलता है, और बाकी पूरा दिन अब तुमको पता ही है, तुमने व्लॉग देख ही लिया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @GautamDuggalOfficial। अब हम खेलेंगे शिरो की फेवरेट गेम, Thank you.
तभी मैं दे रहा हूँ शीरो को, शीरो का रात का खाना। तो उसके रात के खाने की अगर मैं बात करूँ तो दो रोटी को हम लोग ऐसे करके सॉफ्ट कर देते हैं। पहले जो उसका चिकन है, चिकन बॉईल करते हैं, रोज़ रात को शीरो चिकन खाता है, उसको सॉफ्ट करके उसके बाद उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। उसके बाद इसको इसमें डालेंगे, इसमें चिकन मिक्स करेंगे, फिर शीरो को खाना देंगे। ऐसे शीरो की मील तैयार हो गई है, रोटी के अंदर चिकन मिक्स कर दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भी अपने डॉग को यही मील दो, तुम अपने डॉग को जो मर्जी मील दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ये पी रही है अपनी फेवरेट कॉफ़ी, कॉफ़ी इसको पसंद है, बबीता जी की तरह है ना, अय्यर की तरह है ना, पीएमके उसी चल रहा है कहीं दबा के। और मम्मी तो देखते हैं बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ये घर में होती है पूरा दिन। तारक मेहता, तारक मेहता कहाँ गया शीरो? सर लग जाएगा टेबल में, रुक जा, पैर ही गायब हो गए लौंडे के। तो ऐसा लग रहा है जब पंखा चलता है ना तो ये गायब हो जाती है पंखड़ियाँ, तो पैर ही गायब। फिर निकल के दिखा, 3 2 1। शीरो का तो खेलना ऐसे ही चलता रहेगा, तो आज का ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही नए नए ब्लॉग्स आते रहेंगे मेरे, शीरो के, मिलके ब्लॉग्स डालते रहेंगे डेली, है ना। लव यू गाइस।